हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है बीमेट में ये देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन की यूसेज क्या है। प्रोडक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम चार आइटम को मिलाकर एक आइटम बना सकते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट्स में या ग्रॉसरी शॉप्स में आप देख सकते हैं, शुगर या राइस या कोई भी आइटम क्विंटल या बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है और उस आइटम से छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर सेल किया जाएगा। तो इस तरीके को हम बीमेट में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन करने से पहले हमें वो आइटम, जो आइटम बड़ी मात्रा में आई हुई है, तो उसको पहले परचेज एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी परचेज एंट्री ऑलरेडी सेव की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मेरी शुगर की आइटम मैंने 50 kg ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है। तो मेरे स्टॉक का करेंट स्टॉक अभी तो 50 kg है। तो आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन मेन्यू बार पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट मास्टर। तो प्रोडक्ट मास्टर पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं मैंने कोई थोड़े बहुत आइटम्स ऑलरेडी प्रोडक्शन मास्टर पे क्रिएट किए हुआ है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक और नई प्रोडक्ट बनाकर दिखाऊंगी, जो है ऐड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे शुगर शुगर समझो कि शुगर 5 kg की प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ। शुगर 5 kg को एंटर कीजिए। एंटर देते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दो सेक्शन है, एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन ये होती है जैसे कि आपकी जो आइटम बड़ी मात्रा में आ रही है, ह्यूज बल्क में आ रही है, तो वो आइटम आपको इनपुट पे एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शुगर 50 kg को आप यहाँ पे एंटर कीजिए। क्वांटिटी आपको पूछा जाएगा, तो जो क्वांटिटी आप इस शुगर 50 kg से आप बनाने वाली हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट 5 kg बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे 5 को एंटर कीजिए, क्वांटिटी 5 kg है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप आउटपुट पे आइए। आउटपुट जो प्रोडक्ट आप बनाने वाली हैं वो ह्यूज आइटम से, वो आइटम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे शुगर 5 kg को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 होती है। यहाँ पे एंटर दीजिए, रेट प्लस टैक्स, अपनी परचेज रेट प्लस टैक्स जो आपने मास्टर पे डाली हुई है वो लोड हो जाएगी। सेल रेट प्लस टैक्स भी वही होती है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके अपडेट मास्टर कर सकती हैं। एंटर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं सेव करने वाली हूँ। तो ये हो गई मेरी प्रोडक्ट मास्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने शुगर 5 kg या 2 kg, 1 kg, ऐसा अलग अलग प्रोडक्ट मास्टर्स एक बार के लिए मैंने लोड किए। जैसे आप आइटम मास्टर करते हैं उसी तरीके से ये प्रोडक्शन करने से पहले प्रोडक्ट मास्टर होती है। तो ये वन टाइम की सेटिंग होती है। तो ये प्रोडक्ट मास्टर होते ही आप प्रोडक्शन मैनेजर पे जाइए। जब भी आप आइटम्स प्री प्रोड्यूस करने वाली हैं ह्यूज आइटम से, तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर पे जाइए। यहाँ पे आप जो आइटम बनाने वाली हो, जैसे कि शुगर 5 kg मैं अभी प्रोडक्शन करने वाली हूँ, तो उसको एंटर दीजिए। एंटर देते ही आप देख सकते हैं जो भी आपने मास्टर पे इनपुट किए हुए थे आइटम्स, तो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी अपनी ग्रिड पे। तो जितनी क्वांटिटी है, जितनी पैकेट्स आप बनाना चाहती हैं, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर देना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी आप जैसे देख सकते हैं, मैं अभी तो एक पैकेट बनाकर आपको दिखाना चाहूँगी, तो मैंने क्वांटिटी यहाँ पे एक दे दीजिए, एंटर दीजिए। एंड आप सेव देने से पहले आप यहाँ पे देखिए, शुगर 50 kg अभी तो मेरे स्टॉक पे 50 kg है। यहाँ पे आउटपुट पे देखिए, शुगर 5 kg 0 पैकेट्स है। तो सेव करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्टॉक अल्टर हो चुकी है, मतलब बल्क आइटम से यहाँ पे 50 से 45 हो चुकी है, शुगर 5 kg 1 पैकेट आ चुकी है। तो ये है मेरी प्रोडक्शन मैनेजर की कॉन्सेप्ट, मतलब जब भी आप आइटम्स रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर पे आइए, जो आइटम रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे उसको एंटर दीजिए, क्वांटिटी दीजिए, सेव दीजिए। बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिफिकेशन है, आप कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हेल्प पे जाइए, अबाउट सारा बीमेट। कस्टमर केयर की नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8722033666। थैंक यू।